पहचाना राजस्थान की सियासत का नया योगी, योगी आदित्यनाथ का गुरु भाई, बाबा गोरखनाथ का परम भक्त, नाथ संप्रदाय का उपाध्यक्ष, मशहूर संत चांदनाथ के सबसे प्रिय चेले, सिर से पांव तक भगवाधारी बाबा बालकनाथ, वो बालकनाथ जो मरुधरा में बीजेपी के लिए उठने वाला वो सियासी तूफान है जिसका असर पूरे पश्चिम में होगा। पार्टी ने उन्हें उस अलवर के मैदान में उतारा है जहां बीते दो साल में दो मॉब लिंचिंग हो चुकी है, पहले पहलू खान और फिर रकबर। तभी से अलवर पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है कि वो सीट है जहां साल भर पहले उपचुनाव में मिली हार ने विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान की आबोहवा खराब कर दी। उसी से सबक लेते हुए इस बार मोदी और अमित शाह ने इस भगवाधारी बाबा पर दांव खेला है। बालकनाथ योगी जी की कैंपेन शुरुआत हो रही है, पूजा पाठ कर लिया है उन्होंने, सुबह की शुरुआत पूजा से और दिन भर अच्छा बीते इसके लिए। निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा से, माता की शक्ति से, और हर दिन अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए ही काम करना है। अलवर में सब अच्छा होगा ये प्राणकर बाबा बालकनाथ का काफिला प्रचार के लिए निकल पड़ा। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी सियासत के इस नए योगी के साथ हो लिए। थोड़ी दूर सफर तय किया ही था कि अलवर के महात्मा ज्योतिबा फुले गोल चक्कर आ गए। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं से छोटी सी मीटिंग थी। बाबा बालकनाथ ने ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर सुमन के दो फूल चढ़ाए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर अगली सभा के लिए निकल पड़े। बाकी उम्मीदवारों से इतर ना कोई नाश्ता ना कोई लंच, बस चलती कार में झोले से थाली निकाली, कपड़े में लपेट कर बाजरे की रोटी और टिफिन में रखी धनिये की चटनी। खाना खत्म हुआ तो बाबा बालकनाथ ने गाड़ी रुकवाई, हाथ मुंह धोए, तब तक कार में उनकी गेरुआ गद्दी लगा दी गई। बाबा विराजमान हुए तो फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। योगी जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर नाश्ते का भी वक्त नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और इसमें सुबह से शाम तक हर व्यक्ति मिलने का प्रयास करता है, हर व्यक्ति अपनी बात है, क्योंकि अब जो देश में परिवर्तन चल रहा है, हर व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी से पहले उसके ताल्लुकात रहे हों, पर इस समय पे सब भाजपा के अंदर जुड़ना चाहते हैं। तो क्या कहें, ये एक विपक्ष कहती है ये कि अलवर में ही क्यों हिंदूवादी एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाता है। मैं उस स्थान पर हूँ तो मैं अपनी जन्म स्थानी के लिए कुछ न कुछ कर पाने का संकल्प रखता हूँ कि मैं अपनी इस अलवर के लिए, क्योंकि मेरे को तो पूरे भारत के लिए करना है, पूरे देश के लिए करना है, लेकिन कहीं को तो एक निमित्त स्थान तो बनाना हो। बाबा बालकनाथ के सामने हम सवालों की फेरिस्त रखते जा रहे थे, उसी बीच में हमने ये जानना चाहा कि अलवर में एक राजा और एक योगी की लड़ाई कैसी होगी, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह हैं, जो न सिर्फ राजघराने से हैं बल्कि हर तरह से ताकतवर हैं, दौलत से, शोहरत से, जान पहचान से, हर तरह से। फिर कहां राजा भंवर, कहां बाबा बालकनाथ। भंवर जितेंद्र सिंह जो कि राजघराने से आते हैं, राहुल गांधी के सबसे खासम खास चेहरे हैं, तो कैसे उनको चुनौती आप देंगे, क्योंकि प्रदेश में सत्ता भी कांग्रेस की ही है। मैं तो इतना ही कहूंगा जी, देखो भंवर जी अपना कार्य कर रहे हैं और हम अपना कार्य कर रहे हैं, तुलना आप हमारे दोनों के कार्यों से कर सकते हैं। वो भी एक राजघराने के राजा परिवार से हैं, उनके पास अथाक संपत्ति है, एक हमारी तरफ देखो, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास जो भी आता है हम समाज के लिए लगाते हैं, गौशालाओं का निर्माण करते हैं, हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं, स्कूल का निर्माण करते हैं, कॉलेजों का निर्माण करते हैं। बाबा बालकनाथ से हमारी बातचीत जारी थी, इस बीच बातचीत में पता चला कि बाबा की कार हरसौली गांव से गुजर रही थी, तभी उन्हें बीजेपी से जुड़े लोगों ने रुकने का इशारा किया। चुनाव है इसलिए बाबा रुक गए, कार से नीचे उतरे तो लोग भगवाधारी के साथ सेल्फी उतारने लगे। बाबा जी राजनीति के रण में भले ही नए हैं, लेकिन लोगों को आकर्षित करने का, वोट खींचने का हुनर बखूबी मालूम है, इसलिए जब उनकी नजर सामने खड़ी ट्रैक्टर पर पड़ी तो वो बिना देर किए ट्रैक्टर पर सवार हो गए और खेत की तरफ चल दिए। साधु के भेष में अभी तक के आपने बालकनाथ योगी जी को फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज में देखा होगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब बालकनाथ योगी जी खेत में पहुंचे हैं जहां पे फसल कटाई हो रही है। सर किसान तो देश का एक सबसे मजबूत अंग है, आप किसानी भी कर रहे हैं, ये शायद किसी ने देखा नहीं होगा। नाथ संप्रदाय में एक विशेषता है कि नाथ संप्रदाय के जितने भी मठ मंदिर होते हैं वहाँ पर कृषि भूमि भी होती है, गौशाला भी होती है, तो वहाँ पर हर वो कार्य जो नाथ संप्रदाय से साधु परंपरा में जुड़ता है, तो उसको आश्रम की व्यवस्था, खाना बनाना,
खेती करना, गौशालाओं के लिए चारा काट के लाना, गायों के लिए चारे की व्यवस्था करके उसको निराचारी करना, दूध निकालना, हर काम नाथ संप्रदाय के योगी करते हैं। और हमारे गुरुस्थान के काफ़ी कृषि भूमि है, उनमें मैंने स्वयं 15 साल कृषि कार्यों को देखा है और उनकी व्यवस्था करते हुए रात को खेतों में जमीन बानी, गेहूँ निकालने, सरसों की कटाई करानी, हर कार्य मैंने किया है। बाबा जो चाहते थे वही हुआ, प्लान हिट हुआ। ट्रैक्टर वाले बाबा को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यूं तो अमूमन बालकनाथ योगी लग्जरी कार में चलते हैं, लेकिन चुनावी मौसम में ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं, इसलिए सवाल उठना लाजमी था कि क्या वो ऐसा वोट की फसल काटने के लिए कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप मर्सिडीज और फॉर्चुनर से घूमते हैं, उसको ये जवाब देने की कोशिश है? कोशिश नहीं है, वो भी हमारा, हम किसी बहुत बड़े संत ने कहा है, अपने प्रोफेसर थे वो, बाद में वो संत हो गए, कि अपना व्यक्तित्व निर्माण तो, अपना जीवन शैली तो एक 5-स्टार की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल वेल मेंटेड, हर शब्दों का चयन, बोलना, व्यवहार, उसमें पूरी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, राजा की तरह होना चाहिए, और अपना व्यक्तित्व समर्पण, सेवा और समर्पण ऐसा होना चाहिए कि हम कहीं भी बैठ के, किसी भी माहौल में बैठ के हम अपने आप को स्थापित रख पाएं, हम लोगों के साथ बैठ के भोजन भी कर पाएं, हम भोजन करना, मिलना जुलना, उसमें छोटे बड़े का भेद ना हो। सवाल ये भी था कि क्या अलवर की लड़ाई में बाबा का चुनावी ट्रैक्टर दौड़ पाएगा, क्या ये ट्रैक्टर उन्हें दिल्ली पहुंचाएगा? ट्रैक्टर की स्टेयरिंग आपने संभाली है, राजनीति की स्टेयरिंग अच्छे से घूम पाएगी आपसे? हमें विश्वास है हमारे गुरु लोगों पर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि हमें उनके बताए पे मार्ग पे चलना है, और उनका बताए मार्ग पर, क्योंकि जो भी महान पुरुष हुए हैं देश के, आज भी पूरी दुनिया उन महान पुरुषों के मार्ग पर चल रही है, और उसी में अपना ज्ञान जोड़कर एक नए विकास को आयाम दे रही है। विजय को लेकर बाबा जी आश्वस्त हैं, उन्हें खुद पर एतबार है, लेकिन सबसे बड़ा अटूट विश्वास मोदी पर है, क्योंकि मालूम है कि यही नाम सबसे बड़ा काम करेगा। खैर, बाबा जी किसान के किरदार में बहुत अंदर तक घुस चुके थे, इसलिए उनकी किसानी जारी थी। अब उस चारे को समेटने की बारी थी जिसे महाराज ने ट्रैक्टर चलाकर काटी थी। फसल कटाई हो चुकी है और उसके बाद पूरे फसलों को इकट्ठा करना भी जरूरी है। आप देखिए महन जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पहले ट्रैक्टर चलाया, उसके बाद लोगों के साथ मिलकर इस पूरे जो फसल काटी है उसका गट्ठर बनाया जाएगा। ये गांव का एक परिवेश है, गांव में जब कहीं भी फसल कटाई होती है, चारे को पूरा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद यहाँ से लादकर शहर में या अपने घर पर लेके जाया जाता है। बाबा बालकनाथ योगी जी ने सबसे पहले ट्रैक्टर चलाया और उसके बाद फसल कटाई करी, फसल कटाई करने के बाद पूरा इकट्ठा किया है चारा, और यहाँ से अब ये चारा पूरा जाएगा, लाद के खुद इकट्ठा करके पूरा रखेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आम जनता से संवाद करने का एक तरीका और एक ये संदेश देने की कोशिश की, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, ये देशी परिवेश है। हमें अपने देश की सेवा के लिए हर स्तर का कार्य, चाहे वो हमारे सफाई कर्मियों के साथ हमें सफाई व्यवस्था हो, चाहे खेती की व्यवस्था हो, चाहे पशु चारे की व्यवस्था हो, पशुओं की सेवा करने की व्यवस्था हो, गौशाला की हो, हम हर स्तर का कार्य जानते हैं, और यही नाथ संप्रदाय का योगी और योगी कहलाता है कि जो हर स्तर का कार्य करना जानता, पर कार्य वही जो समाज हित में और राष्ट्र हित में हो। खेती किसानी करते हुए योगी को मालूम चला कि पास में ही नाथ संप्रदाय का मंदिर है, तो वो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग घुमाते हुए सीधे मंदिर पहुंच गए। बाबा बालकनाथ ने भगवान के दर पर शीश नवाया, सियासी अखाड़े में विजय का आशीर्वाद मांगा, फिर अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए। काफिला कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि बाबा बालकनाथ का स्वागत करने के लिए भीड़ पहुंच गए। बाबा खुली कार में सवार होकर रोड शो करने वाले थे, लेकिन तभी उनका मूड बदल गया, बाबा ने बाइक रैली निकालने का फैसला कर लिया। महान बालकनाथ जी कुछ देर पहले ट्रैक्टर चला रहे थे, लेकिन अब आप देखिए बाइक पर सवार होकर सभा स्थल पर जा रहे हैं। बालकनाथ जी ट्रैक्टर चलाने में दक्षता हासिल थी और अब बाइक पे सवार होकर चल रहे हैं। आप देखिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता महान बालकनाथ के आसपास, क्योंकि सभा स्थल पर जाना है और तमाम लोगों की भीड़ है यहाँ पर। बालकनाथ बाइक चला रहे हैं, कार चलाई उन्होंने, ट्रैक्टर चलाई और अब बालकनाथ बाइक चला रहे हैं। बाइक से ही सभा स्थल पर जाएंगे बालकनाथ जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे युवा टीम के कार्यकर्ता हैं, वो हर जगह जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है तो वो पहले रिसीव करते हैं बाइकों के काफिले के साथ, और मैं उनके साथ उनके जैसा उनका भाई बनकर
क्योंकि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संत भी हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए हम अपने सभा स्थल पर पहुंचते हैं। ये देखिए आप तमाम कार्यकर्ता बाबा बालकनाथ योगी के नारे लगाते हुए सभा स्थल तक जा रहे हैं और सभा स्थल तक के बालकनाथ योगी खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। डीजे के साथ निकली बाबा की बाइक रैली जलसे में बदल गई। बालकनाथ का जोश हाई हो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मोदी हैं तो जीत मुमकिन है। ये शायद ही आपको देखने को कभी मिला होगा कि आगे आगे बालकनाथ योगी और आगे डीजे का गाना, डीजे साउंड बजता हुआ और पीछे बालकनाथ योगी बाइक पे और पीछे तमाम कार्यकर्ता बाइक पे सवार होकर बालकनाथ योगी के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ये रैली है और इस रैली में बाबा बालकनाथ बाइक चलाते हुए सभा स्थल पर पहुंचेंगे। सर ये एक अलग रंग देखने को मिल रहा है, ये यूथ के साथ एक नई कनेक्टिविटी है आपकी। ये उत्सव है भारत के लोगों का, ये हमारे लोकतंत्र का उत्सव जो 5 साल में आता है और इस बार हमारे भारत के जवाजो करोड़ देशवासियों ने इस उत्सव को एक कुंभ का रूप दिया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से इस बार, जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में भारत को जो उपलब्धि, जो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, पूरे लोग भारत के 125 करोड़ देशवासी चुनाव को उत्सव के रूप में लेकर और भारी तादाद, भारी मतों से, भारी सीटों के मार्जन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी के भगवाधारी उम्मीदवार ने आगे कहा कि चुनाव में उनकी बाइक इसी रफ्तार से दौड़ेगी और पार्लियामेंट पहुंच जाएगी। फैन फॉलोइंग बढ़ रही है आपकी, यूथ में क्रेज देखने को मिल रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा यूथ, क्योंकि युवा साथियों के साथ हमारा देश युवा है, हमारा देश के 70% युवा आबादी है, विश्व का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा देश युवा देश। तो युवा देश की सोच है कि भारत को हम अब उस स्थान पर ले जाएंगे जिस स्थान पर भारत का अधिकार है। मठ की गद्दी पर बैठने वाले बाबा बालकनाथ योगी युवाओं में सबसे ज्यादा मशहूर है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जहाँ कहीं भी बाबा बालकनाथ योगी जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाने लगते हैं, कभी गाड़ी चलाने लगते हैं, बाइक पर ही सवार होकर निकलने लगे। और अब आप देखिए जगह जगह बालकनाथ योगी का स्वागत हो रहा है। ये इस पूरी रैली में हम बाबा बालकनाथ योगी के साथ मौजूद है। जहाँ जहाँ पर भी बालकनाथ योगी का स्वागत हो रहा है वहाँ बालकनाथ योगी अपनी बाइक रोक रहे हैं और उसके बाद बालकनाथ योगी की ये रैली यूं ही बढ़ती जा रही है। बाइक चलाते हुए बालकनाथ वहाँ पहुँच गए जहाँ सभा थी, महंत का स्वागत सत्कार हुआ। बाबा ने यहाँ भी जनता को रिझाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये कि क्या वो अलवर में मोदी के विजय रथ को आगे बढ़ा पाएंगे, जवाब काफी हद तक यहाँ के जातिगत समीकरण से मिल जाता है। क्योंकि पहलू खान और रकबर लिंचिंग के बाद से यहाँ की फिजा में ध्रुवीकरण की बयार बहने लगी है। अलवर में करीब 3.5 लाख यादव वोटर है, 4.5 लाख SC/ST मतदाता है, 1.5 लाख जाट है, करीब 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख वैश्य वोटर है। मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी 3.5 लाख है। जाति के इसी गणित के मद्देनजर बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा है। सवाल ये है कि क्या हिंदुत्व वाला कार्ड यहाँ दोबारा काम करेगा? बाबा बालकनाथ हमारे बीच में, हमारे लोकल, हमारे यहाँ के पैदाइश हैं, हमारे बीच में रहे, ये 5.5-6 साल के थे, उनके बाद इनके परिवार वालों ने गद्दी में इनको चढ़ा दिया था, उसके बाद भी ये आते जाते रहे क्षेत्र में। हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार के साथ हैं और मोदी सरकार ने जो फैसला बाबा बालकनाथ जी को हमारे लिए भेजा है, हम उसके साथ जी और जान तन मन से साथ। ये एक तो युवा है, योगी है और आने वाले लिए जैसे CM है UP के योगी आदित्यनाथ, उनका रूप हम पूरे युवा उनका रूप उनमें देख रहे हैं बालकनाथ जी में। फिलहाल तो अलवर में बाबा बालकनाथ की बाइक दौड़ती नजर आ रही है, लेकिन ये संसद तक पहुंचेगी या नहीं, फैसला 23 मई को होगा।